तारीखी शहर बीजापुर गुंबदों से, गुंबदों का शहर बीजापुर, आदिलशाही दौर का बीजापुर। तो आज मुहर्रमुल हराम की ये 8वीं तारीख है। तो हसबे मामूल पिछले कई साल से ये परंपरा रही है, तकरीबन 500 साल से ये सिलसिला चलता आ रहा है। यानी मेरे पिताजी के दादा, यानी ये परंपरा ऐसे चलते आ रही है कि मुहर्रमुल हराम की जो 8वीं तारीख होती है, तो आज के दिन काली मस्जिद में जो हुसैनी आलम होते हैं जामा मस्जिद रोड पर, ये बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर जुलूस होता है 8वीं तारीख और 9वीं तारीख को। तो ये परंपरा कई पुरानी परंपरा है। और यहाँ पर जो है 8वीं तारीख के दिन तकरीबन 12 बजे के बाद ये कार्यक्रम शुरू होता है कि आलम को किस तरह से सजाया जाता है। तकरीबन 11 जो मामूलदार होते हैं, हकदार होते हैं, इसके ज़िम्मेदार होते हैं, तो 11 लोग हैं जो अपनी पुश्तैन से आज तक भी वो अपनी ज़िम्मेदारी उठाते आ रहे हैं। यानी आलम को जो जो चीज़ों से सजाया जाता है, यानी तुरन हो, बीच का तुरा हो, साइड के तुरे हो, यानी जो धट्टी पहनाई जाती है उससे लेकर कान के झुमके से लेकर हर चीज़ जो सजाई जाती है आलम को, वो अलग अलग घरों से आता है, अलग अलग खानदानों की परंपरा रही है। और मेरे घर से जो है बहरा की शुरुआत होती है, जो सबसे पहले मुहर्रम की शुरुआत होती है 8वीं तारीख के दिन बहराग से ही होती है, जो झंडा होता है आलम के सामने का उसी होती है, हमारे घर से जो तुरा निकलता है। तो ये परंपरा काफ़ी पुरानी है, मेरे पिताजी की दादा वहाँ से ये परंपरा शुरू है, कब से शुरू है नहीं मालूम। तो ये आज भी ये परंपरा जारी है और हज़ारों की तादाद में आज के दिन लोग यहाँ पर आलम को जो उड़ते हुए देखने की तमन्ना रखते हैं। तो हर साल यहाँ पर हुजूम हज़ारों की तादाद में हुजूम होता है, लेकिन पिछले साल से यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो पेंडेमिक कोविड-19 के तहत जो गाइडलाइंस जारी की गई है, पिछले साल से ये मुख्तसर तौर पर हो रहा है। यानी जब से हमने होश संभाला है उससे लेकर आज गुज़िश्ता साल जो हमने मुहर्रम देखा है और आज जो हमने मुहर्रम देखा है, वो हमने हमारे आबा व अजदादों ने कभी नहीं देखा। क्योंकि ये पेंडेमिक है, ये बीमारी है, कोविड-19 आने की वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो या गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका हो, इसके गाइडलाइंस के पालन करते हुए कमेटी वालों को भी एक जिम्मेदारी दी गई थी कि कमेटी वाले भी जो है अपना मुख्तसर तौर पर जितने कमेटी वाले होते हैं वही मुख्तसर लोग जो है आज ये रस्मों को निभा रहे हैं। जैसे आलम को सजाना हो, तरह तरह की चीज़ों को लाकर आलम के पास रखते हैं। और यहाँ पर तकरीबन 3:30 बजे के करीब जो है आलम को पूरी तरह से सजाया जाता है और 3:30 या 4 के दरमियान आलम को उठाया जाता है। तो हम भी आपसे गुजारिश करेंगे कि पेंडेमिक है, कोविड-19 का पालन करें, सरकार का पालन करें और इस बीमारी से बचें। ಐತಿಹಾಸಿಕ ಜಾಮಿಯಾ ಮಸ್ಜಿದ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಮೊಹರಂ 8ನೇ ತಾರೀಖು ದಿವಸ ಹುಸೇನ್ ಆಲಂ ದೇವರ ಪೀರ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಅತಿ ವಿಜೃಂಭದಿಂದ ನಾವು ಕಳೆದ 500 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಂದರೆ ಆದಿಲ್ಶಾಹಿ ಆಳ್ವಿಕೆಯಿಂದ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಕೋವಿಡ್-19 ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ನಮಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಈ ವರ್ಷ ಅಂದರೆ 2021 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಾರ ಮೊಹರಂವನ್ನು ಅತಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಏನು ನಾವು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದೆವು ಅದು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ನಮ್ಮ ಏನು ಪಾರಂಪರಿಕ ಏನು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಅವನ್ನು ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮೊಹರಂ ಹುಸೇನ್ ಆಲಂ ಸಮಿತಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೈಯದ್ ಮುರ್ತುಜಾ ಹುಸೇನಿ ಪಿರ್ಜಾದೆ, ಜಮೀರ್ ಬಾಂಗಿ ಮಾಜಿ
महानगर पालिके सदस्यरु साकिब बांगी शौकत यलगार जैनाबदीन सैयद जैनाबदीन हाशमी अनेक नम नजीर बारूदवाले हब्बू उकली साबीर पिरजादे अनेक ऐनद हुसैन आलम समिति पदाधिकारी सेरी जिला सूचिसिदंते नावु ई सल 2021 मोहरम आचरणेयन्नु माड्ता इद्देवे। सैयद आफ्ताब कादरी। इस साल भी मुहर्रम का जलसा जो जामिया मस्जिद में होता है, तकरीबन 500 साल पुराना जो आलम मुबारक है यहाँ पर बिठाया जाता है, उसी की ज़ियारत करने के लिए हज़ारों लाखों की तादाद में इमाम हुसैन के मानने वाले, चाहने वाले, पंजतन के मानने वाले उनके आलम की ज़ियारत करने के लिए यहाँ पर आते हैं। इसकी ख़ास बात यह है कि सिर्फ़ मुसलमान ही नहीं, हर धर्म का मानने वाला, हर ज़ात का मानने वाला, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हर कोई आकर जो है आलम मुबारक की ज़ियारत करता है। कोविड के चलते थोड़ा जो है आवाम के जो आना कम है, इंशाल्लाह आइंदा साल अगर इमाम हुसैन ने चाहा, पंजतन ने चाहा, हालात अगर साजगार हुए तो मुहर्रम का जो है जलसा इमाम हुसैन का बड़ी ही आलीशान पैमाने पर होगा। मैं तमाम मुसलमानों से अपील करूंगा कि कोरोना वायरस के चलते आप लोग भी बहुत एहतियात करें और मास्क लगाकर ज़ियारत करें। अस्सलाम वालेकुम।